तारीख गवाह है दोस्तों, खूबसूरत लड़कियों ने हमेशा गद्दों से इश्क किया है। अंकल बेल्ट टिका तुम्हारी ना मिल रही तो मेरी ले जाओ। हाँ जोक है, मैं समझ गया, लेकिन नहीं अंकल, क्या ऐसी चीजें बर्दाश्त नहीं करनी होती। So, hey guys, it's me, Dhiru Manchik. और guys, आज हम फिर से बात करेंगे रचना जी के बारे में। तुम भूल गए रचना जी को? ऐसे कैसे यार? देखो अभी मैं तुम्हें एक रील दिखाऊंगा रचना जी की और तुम्हें एकदम याद आ जाएगा। जब पहली नजर में कोई इन दोनों को देखता है तो लगता है कि ये दो प्यार के पंछी हैं जो एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, जो तुम्हें स्क्रीन पे नजर आ जाएगा। लेकिन जब तुम ठीक थोड़ा सा ऊपर जाके अपनी नजरें गड़ाते हो तब तो मैं देखता हूँ मोहम्मद सन, तुम कंफ्यूज हो जाते हो कि गलत सोचना भी है या फिर रुक जाऊं इधर पे ही। मेरा शरारती बच्चा, शरारती नहीं होते हैं ये बच्चे, इन्हें वेद पुराणों में हरामी कहा गया है। मामीचा सुपर मोम, बेस्ट सन एवर, सैवेज मोम, मोमी रचना। तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मोमी रचना का। शी इज अ संतूर मामा, देखो लिखा भी बायो में, झूठ ना बोलता मैं। तो अभी तो कुछ दिन पहले हमने इनके ऊपर एक वीडियो बनाया था, जिसके बाद जब ये कभी इंस्टाग्राम लाइव आई होंगी तब इन्होंने रिप्लाई दिया था उसका, मतलब डायरेक्टली मुझे नहीं। बोलते हो मुझसे के मम्मी से गलत इफेक्ट पड़ रहा है, मुझसे नहीं पड़ रहा, आप लोगों से गलत इफेक्ट पड़ रहा है। मैं तो अच्छी हूँ क्योंकि मैं माँ हूँ, क्योंकि मैं माँ हूँ। कहाँ से ऐसा हो सकता रब दे पैरी। इससे ज्यादा लॉजिकल बात तो मैं भरी नींद में कर देता हूँ यार। भयंकर मेरी नींद भाड़ में गई यार। ये रचना जी, तुम्हारे इंस्टाग्राम लाइव पे लौंडे कमेंट कैसे कर रहे हैं ये? अरे हमारे बोलने के गलत इम्पैक्ट पड़ने से पहले ही तुम बहुत ज्यादा गलत इम्पैक्ट पड़वा चुकी हो। गंदी गंदी बातें मत कीजिए, आपके घर में भी मम्मी है, आपकी भी बहने हैं, और सोशल मीडिया से किसी को ऐसे जज नहीं करना चाहिए, कभी किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए। ओके ओके ठीक है, समझ गए। हमने तो कुछ गलत बोला ही नहीं था, जो स्क्रीन पर दे रहा था वो बोल दिया था। और अगर हम इतने ही गलत हैं तो कमेंट सेक्शन क्यों है तुम्हारा? देखो गाइस, पहली बार में अगर कोई इनकी फैमिली फोटो देखेगा तो उसके दिमाग में क्या आएगा? ये पिताजी हैं, ये बेटा है, ये बेटी है, ये बेटे की वाइफ है। असल में ये है रचना के हस्बैंड। देखो मैं ये बात कोई गलत वे में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन थोड़ी अपनी केमिस्ट्री, थोड़ा अपना प्यार जो है वो अंकल के साथ भी बढ़ाओ ना। इन दोनों को देख के लग ही नहीं रहा इन दोनों के दो बच्चे हैं क्या? माँ रचना जी सो रही है दोस्तों, खाना बनाओ जाओ। गलत कह दिया तूने खाना बनाने, नहीं बेटा आपको बोलना था मम्मी चलो रील बनाते हैं, तब मम्मी एकदम उठ के खड़ी होती। उठ के ओके ओके कहा था। अभी तक रचना जी जो है था, देखो दोस्तों वो एक ही तरह के कंटेंट की रचना करती थी, लिप सिंग गानों पे अपने होठ चलाना या फिर डांस करना इस तरह का कुछ, लेकिन आजकल उन्होंने इंस्टाग्राम पे व्लॉगिंग शुरू कर दी है। आई मेडल ले गया आज तो लौंडा, लेकिन किस चीज में? कितना सोना लग रहा है। हां लग तो रहा है, लेकिन जस्ट अ नॉर्मल हग दोस्त। कहां से ऐसा हो सकता? अभी मैं पूछ रहा था किस चीज का मेडल मिला इसे। भाई ये पक्का वेट लिफ्टिंग में मेडल लेके आया है, क्योंकि दिन में चार बार रील बनाते हुए तो रचना को गोदी में उठा लेता है। तो भाई डोलो सोलो में दम तो होगा, स्ट्रांग तो होगा ना। के ये भी सही है भाई, जिम में जो है रचना वेट उठाती है और घर पे रचना कोई उनका बेटा उठा देता है। बढ़िया है वैसे, उसकी जिम की फीस बच रही है। पर तुम अपनी जिम की फीस बचाने के चक्कर में सेम चीज मत करने लगना मजे मजे में, बड़े घुमा के वो बेलन पड़ेगा, इतनी पिटाई होगी, झाड़ू होकर मोर बना देंगी तेरी मम्मा। वेल रचना जी जिम से याद आया, ये जो आंटी पीछे बैठ के तुम्हारी जिम में वीडियोस बनाती है, कभी इन्हें भी वर्कआउट करने दिया करो। अरे तुम फिट फाट हो गए, उसका बजन हड्डे तैयार नहीं है बेचारी का। मैं तो अच्छी हूँ क्योंकि मैं माँ हूँ। तुम तो 4-5 किलो वजन उठा लेती हो जाके जिम में, लेकिन ये आंटी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे फोन का वजन उठा के घूम रही है। पति बाबला हो गया जिम की फीस भरते भरते, रोज गालियाँ सुनती है घर जाके, रोज आंटी अंकल से 4 बातें सुनती है घर जाके कि तुम मोमी रचना जितनी फिट क्यों नहीं हो। ओके फिट रहने के लिए नारियल पिया जा रहा है दोस्तों, बढ़िया। कौन सी चक्की का आटा खाती हो श्रीमती? आटा नहीं भाई, ये हवा पानी से जिंदा है, नारियल पानी से ही। 3 नारियल कितने अच्छे लग रहा है।
कल पिछली वीडियो जब हमने बनाई थी तो रचना का कमेंट सेक्शन ऑफ था, आज खुला हुआ है, तो मेरे को जो है ना खुद के ऊपर वो नहीं होगा। क्या नहीं होगा? अब देख आदमी आ रहा, मतलब ऐसा कि ये चीज सिर्फ मैं सोच रहा हूँ या बाकी लोग भी सोचते हैं, तो मैं कमेंट सेक्शन पढ़ सकता हूँ, पर मैं डिसाइड कर सकता हूँ क्या बोलना। की पिछले वीडियो में तो हम समझ ही नहीं पा रहे थे बोले क्या, डर लग रहा था, डर फट के चौहारा हो रही थी। मम्मी प्लीज डोंट डू दिस अगेन। भाई बड़े गंदे गंदे कमेंट कर रखे हैं यार, भयंकर। सॉरी आई कांट रीड, कि मैं बुरा हूं लेकिन इतना बुरा नहीं हूं। माय ट्विन्स बेबी, अरे बच्चे बुलाओ भाई जल्दी से, इसके मेरा दिमाग गलत जगह जा रहा यार। रचना जी तुम ये जान के करती हो क्या डबल मीनिंग सारी चीजें, या फिर ये कोइंसिडेंटली हो जाती है? बच्चों की एंट्री करा दो जल्दी से। हाँ ठीक, बढ़िया, ओके, सुकून मिला थोड़ा सा अभी गाइस। क्या बना रहे माते? ऑडियंस का चूतिया। तुझको सोचूं, बच्चे तो पढ़ रहे हैं। सोचता जाऊं सोचता जाऊं, बस यही काम काज है। हाँ तुम्हारा काम काज ठीक है, लेकिन उनका जो काम काज है उन्हें वो भी करने दिया करो। उस स्किल से लड़का तुम्हारा किताब लेके बैठा है, अब तो उसे पढ़ने दो। रिंग लाइट ट्राइपॉड उठा के तुम आगे रील बनाने फिर। ये गाइस ब्लॉग नंबर 2। चारे की टी शर्ट जो है पीछे से भीगी पड़ी, गर्मी में आया घर, चैन से सांस नहीं ले लिया, मम्मी ने पहले कैमरा खोल दिया। बोरों का बेटा स्कूल से घर आता है तो उनकी मम्मियाँ खुश होती हैं, चलो बेटा आ गया खाना खाएगा, खुश रचना जी भी होती हैं, लेकिन वो ये सोचती है ये मेरा कंटेंट आ गया। आलू गोभी आज खाने में क्या बने गाइस? आलू गोभी तुम्हारे घर पे क्या बना था आज बताना, ठीक है? मुझे जानने में बहुत इंटरेस्टेड है, मैं जानने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। अभी दूंगी, पहले पन्ने दो। रामी खाने की बात हो रही है बेटे, ऐसा करने में मेरा बाप जो है मुझे इतना बुरा थपड़ा था ना, मेरी कबर खुद जाती 4 फीट जमीन के नीचे, वो भी बाद में बेलन से मैं छिन चुका होता अब तक। क्या किया स्कूल में? आज कुछ नहीं किया। देखो हंसना नहीं चाहिए, प्रॉब्लम होती है बहुत लोग जो स्कूल को स्कूल बोल देते हैं, मतलब ई या एस वाई, ये वर्ड में जो कंफ्यूजन होती है बहुत ज्यादा। स्कूल में कुछ नहीं हुआ, पढ़ाई लिखाई हुई, बट मम्मी रचना को जो है वो बहुत ज्यादा याद कर रहा था। क्लास में लड़के को एक गंदा वर्ड है कह के बुली नहीं करते हैं क्या क्लासमेट? वैसे गलती लड़के की नहीं है, किसकी गलती है मुझे ये समझा दो यार, मेरे को तो समझ में ही नहीं आ रहा किसकी गलती, बताऊं। भाई ये तो लिरिक्स भी मुझे अजीब सुनाई दे रहा है, खुशी की जगह भाई खाना बना रही यार, मम्मी तेरी हट जा यार, आराम से रोटी बेलन दे। जब ये खाना नहीं बनाती तब तो तू रोने बैठ जा, कैमरा लेके पहुंच जाता है, खाना बना रही है तो अब वैसे नहीं छोड़ रहा। आपको पता है मुझे आपसे लड़ाई करके बहुत मजा आता है, पर मुझे बिल्कुल भी नहीं आता। मैंने आपसे पूछा रचना जी आपकी यही प्रॉब्लम है बस, तुम दूसरों के ओपिनियंस पे गौर नहीं देती हो, फिर इंस्टाग्राम लाइव पे क्या हमें कह देती हो तुम्हारे घर में माँ बेटी नहीं है क्या, तुम्हारी सोच गंदी है, मैं तो सही हूँ क्योंकि मैं माँ हूँ। क्या हूँ? गोल्ड मेडल। एक और मेडल, किस चीज में मेडल ला रहा गाइस? इसके स्कूल में बकचोदी का भी कॉम्पिटिशन चलता है क्या? बिना रचना जी को गोदी में उठाए तो कोई रील ही नहीं बनती है, जो इनका सिग्नेचर स्टेप हो जाना चाहिए, जैसे मैं कहता ना हे गाइस इट्स मी धीरू मोंचेक, ऐसे ही इनका ये होना चाहिए। देखो जोक्स असाइड ये अच्छा नहीं है यार, अपना कल्चर अलग है थोड़ा, हम लोग को ये सब देखने की आदत नहीं है तो ये सब नहीं करना चाहिए, थोड़ा टेंशन और व्यूज को लेके सही नहीं है ये चीजें करनी, इस तरह से लोग फॉलो कर रहे हैं। लेकिन रचना जी ये तो सोचो ना किस वे में फॉलो कर रहा हूं, तुम अपना कमेंट सेक्शन पढ़ के देख सकती हो, पढ़ूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। बेटी ने बॉडी कवर कर रखी है लेकिन माँ तो बस चलो जाने दो, बट ब्रो ये चीज सेंस नहीं बना रही है भाई, देख ज्ञान पेल दूंगा इस पेल दू बड़ी तेज आ रहा। ये जो ज्ञान है जितने भी सारे छोटे बच्चे लड़कियां लड़के देख रहे हैं उनके लिए है कि तुम्हें वोक बनना, तुम्हें इंस्टाग्राम पे वेस्टर्न कल्चर फॉलो करके वीडियोस बनानी है, वेस्टर्न ड्रेसेस पहननी है, तो तुम तब पहनना शुरू कर देना जब तुम्हें दिमाग आ जाएगा थोड़ा, अभी से मत करो क्योंकि आगे चल के तुम्हें रिग्रेट हो सकता है, क्योंकि अभी तुम्हें सही गलत का पता नहीं है।
गामा। रचना जी गामा के नाम है ऐसे बालक। ये बिस्तर और नाइट, वाओ आ गई ना बेड पर। देखो यार ये सारे कमेंटर, ये वीडियोस देख के मुझे अनकंफर्टेबल हो रहा। पता नहीं रचना को ये बात क्यों समझ नहीं आ रही है। हमें डूबने का शौक था, ओके बचाना आता था। अंकल बचाई कर रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं ये भाई। अच्छा ओके, कुछ है प्रोडक्ट प्रोडक्ट है। परफ्यूम दिखा भाई। अरे अंकल ये अपने दो अनमोल रतन छुपा के रख लो यार, मेरे से नहीं देखे जाएंगे। ये हेयर रिमूवल स्प्रे स्प्रे है, अंकल जो है लाइफ डेमो करके दिखा रहे हैं। शाहरुख खान बस आगे रील नहीं देखूंगा, मुझे कोई शौक नहीं है, मेरे अंदर कोई क्यूरियोसिटी नहीं आफ्टर बिफोर रिजल्ट देखने की, वो भी अंकल की छाती पे। मोमेंट सन मोमी रचना माँ बीचा। एक्चुअल में ना कभी कभी जो है रचना भी कंफ्यूज हो जाती है कि वो जो कंटेंट बना रही है वो सही में माँ बेटा ही बना रहे हैं क्या। तो लोगों को जिससे कंफ्यूजन ना हो तो वो सीधा ऊपर लिख देती है, लो भाई हमने लिख दिया, अब तुम्हारा काम है, जो तुम्हें सोचना सोचते रहो बेड़ी चोद। इनके ऊपर नहीं हंस रहा हूँ, कमेंट पढ़ा एक मैंने भाई, मैंने ऐसी रख दिया, कौन सा पढ़ा तू खुद पढ़ लियो। मैं कोई झूम वूम करके कुछ नहीं दिखा रहा हूँ ठीक है, और मैं इस आगे वीडियो ही नहीं देख रहा हूँ भाई, अब बहुत हो गया। आप एक माँ है, क्यों मैं आपको बाप लग रही हूँ क्या? नहीं आप उसकी गर्लफ्रेंड लग रही हो रचना जी, लग रहा है जैसा आप दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो, नहीं लग रहे हो कहीं से माँ बेटे। ओके गाइस वीडियो इधर ही खत्म करते हैं। देखो यार मैंने हेटरेट फैलाने के लिए वीडियो बिल्कुल नहीं बनाया है, जस्ट एंटरटेनमेंट और थोड़ा इनको क्रिटिसाइज करते हुए बना दिया, ऐसे तगड़ा वगड़ा रोस्ट कुछ नहीं था। कमेंट सेक्शन में या फिर इनके कमेंट सेक्शन में जाके गंदा मत लिखना, लेकिन इन्हें कुछ समझा देना कि ऐसा मत करो ऐसा कर लो भाई, अच्छे लोग देखेंगे तुम्हें, तुम्हारी अच्छी इमेज बनेगी। बाकी मेरा क्या जा रहा, बना दो चार पांच और इनसे इन्फ्लुएंस हो के बनाओ, मैं और अपनी दो रोस्ट वीडियो निकाल दूंगा।